25 तारीख से जब से वह शांति पूर्वक व प्रदर्शन कर रहे थे तब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफ़ी सीरियस धाराएं लगाई हैं। किस तरह से डीएम साहब का यहाँ का और पुलिस के अधिकारियों का बर्ताव रहा उनके साथ, वो सब बातें बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है जबकि वह सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके अपने नारे भी सुनाए कि कौन कौन से नारे वो उस समय वो यूज़ कर रहे थे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी सी बच्ची उनका इंतज़ार कर रही थी। ये बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप मिल लीजिए इनसे, इनकी बातें सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, ये अधिकार जो है प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, ये युवा का अधिकार है, ये अधिकार संविधान का दिया हुआ अधिकार है। 19 तारीख से जब से वह शांति पूर्वक व प्रदर्शन कर रहे थे तब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफ़ी सीरियस धाराएं लगाई हैं। किस तरह से डीएम साहब का यहाँ का और पुलिस के अधिकारियों का बर्ताव रहा उनके साथ, वो सब बातें बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है जबकि वह सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके अपने नारे भी सुनाए कि कौन कौन से नारे वो उस समय वो यूज़ कर रहे थे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी सी बच्ची उनका इंतज़ार कर रही थी। ये बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप मिल लीजिए इनसे, इनकी बातें सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, ये अधिकार जो है प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, ये युवा का अधिकार है, ये अधिकार संविधान का दिया हुआ अधिकार है।